आप सभी जानते ही होंगे कि सूरज हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और चमकदार तारा है, जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। पर क्या आपको मालूम है, जैसे पृथ्वी समेत बाकी ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरह सूरज भी किसी चीज का चक्कर लगाती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हमारा सूरज किसका चक्कर लगाता है। अगर सूरज की बात करें तो वो हमारी पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हॉट प्लाज्मा से बना एक गोलाकार संरचना है, जो कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नियोन, कार्बन, आयरन से मिलकर बना है, और जिसका मास हमारी पृथ्वी और सोलर सिस्टम में मौजूद किसी भी ग्रह से कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल का कुल मास में से करीब 99.86% मास सूरज में ही पाया जाता है, जो कि हमारी पृथ्वी के मास से करीब 3 लाख गुना ज्यादा है। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आप सभी से कहूं कि हमारी पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह सूरज का चक्कर नहीं लगाते, तो क्या आपको मेरे ऊपर बिलीव होगा? आई नो आप मेरी बातों पर जरा भी बिलीव नहीं करेंगे, और करी भी कैसे, मैंने बात ही कुछ ऐसी बोली है। पर ये बात बिल्कुल सच है कि पृथ्वी और सारे ग्रह सूरज का चक्कर नहीं लगाते, बल्कि वो तो सूरज और अपने बीच मौजूद किसी चीज का चक्कर लगाते हैं, और उस चीज का नाम है बेरिसेंटर। जी हाँ, बेरिसेंटर ही वो चीज है जिसका चक्कर सिर्फ पृथ्वी या अन्य ग्रह ही नहीं बल्कि सूरज भी लगाता है। बेरिसेंटर का मतलब होता है स्पेस में मौजूद दो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच का वो पॉइंट जहाँ उनका कॉमन सेंटर ऑफ मास होता है, और ये सेंटर दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को ध्यान में रखते हुए बनता है। सरल भाषा में कहें तो दोनों ऑब्जेक्ट्स में से जिसका मास ज्यादा होगा, सेंटर ऑफ मास उसके पास बनेगा। मतलब अगर हम पृथ्वी और सूरज के बीच का बेरिसेंटर ढूंढना चाहें तो वो सूरज के पास ही कहीं बनेगा, क्योंकि पृथ्वी और सूरज दोनों में से सूरज का मास ज्यादा है। और सिर्फ पृथ्वी के कंपैरिजन में ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम में भी सूरज ही मास के मामले में सबसे आगे है। अब जब सूरज का मास हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा है, तब किसी भी ग्रह और सूरज के बीच का बेरिसेंटर सूरज के पास ही बनेगा, और पृथ्वी समेत सारे ग्रह इस बेरिसेंटर का चक्कर लगाएंगे। आप सभी के दिमाग में यही बात चल रही होगी कि अगर सूरज भी बेरिसेंटर का चक्कर लगाता है तो आखिर उसका बेरिसेंटर है कहाँ। दुनिया भर के बहुत से वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना है कि सूरज का बेरिसेंटर उसके सेंटर से लेकर उसके सरफेस के बीच ही कहीं मौजूद है, जो कि समय समय पर अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, और इसी वजह से सूरज अपनी जगह पर ही वाइब्रेट सा होता रहता है। और सूरज का इस तरह से वाइब्रेट होने का मतलब है कि वो अपने बेरिसेंटर का चक्कर लगा रहा है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारा सूरज बेरिसेंटर के चारों ओर एक वाइब्रेंट मूवमेंट करता रहता है, लेकिन जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो सवाल ये है कि क्या सूरज भी ठीक वैसे ही किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाता है। जी हाँ, बेरिसेंटर के चारों ओर मूवमेंट के अलावा भी हमारा सूरज सालों तक अपनी ऑर्बिट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसका नाम क्या है। ये ऑब्जेक्ट है हमारी गैलेक्सी, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर, जिसके चारों ओर सिर्फ सूरज ही नहीं हमारा सोलर सिस्टम और करोड़ों तारे भी चक्कर लगाते हैं। अब जब इतना बड़ा सूरज किसी ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम जानना भी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस ऑब्जेक्ट का नाम है गैलेक्टिक सेंटर, जिसे हम इंसान चाहते हुए भी अपने एडवांस टेलीस्कोप से नहीं देख सकते, क्योंकि गैलेक्टिक सेंटर के चारों तरफ गैस, प्लाज्मा और डस्ट के बादल होते हैं, जिनकी वजह से हम गैलेक्टिक सेंटर को नहीं देख पाते। अब यार, सूरज इस गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर तो लगाता है, लेकिन आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि सूरज ये चक्कर उस तरह नहीं लगाता जिस तरह हमारी पृथ्वी और बाकी सारे ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। तो फिर सूरज किस तरह मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है? दोस्तों, सूरज का चक्कर एक गोल ऑर्बिट में नहीं होता, बल्कि वो सेंटर के चारों तरफ एक वोबल मूवमेंट करता है। सरल भाषा में कहे तो सूरज किसी निश्चित ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता, बल्कि वो तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन में चक्कर लगाता है, और उसे गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट का एक चक्कर लगाने में करीब 23 से 25 करोड़ साल लगते हैं, और इतने समय को अंतरिक्ष की भाषा में गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सूरज की इस प्रकार टेढ़े मेढ़े मूवमेंट का रीजन क्या है, और क्यों सूरज एक सिंपल ऑर्बिट में मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर नहीं लगाता। सूरज के इस तरह चक्कर लगाने का कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि सूरज पर तब लगता है जब वो सेंटर के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। चक्कर लगाने के दौरान सूरज को पृथ्वी समेत अन्य ग्रह और बहुत से अन्य तारों के ग्रेविटेशनल फोर्स का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वो अपने पथ पर टिक नहीं पाता और टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट करने पर मजबूर हो जाता है। अब जब इतने सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ हमारे सूरज के ऊपर अपनी ग्रेविटी से अटैक करेंगे, तो उसे भी तो उनसे लड़ना होगा, और इसी लड़ाई को लड़ते लड़ते
वो अपना रास्ता भटक जाता है और अपने पथ पर सीधा नहीं जा पाता। फिर भी इतनी सारी अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स से जूझते हुए आगे बढ़ना कोई भी आसान काम नहीं, पर हमारा सूरज इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी अपना चक्कर पूरा करता है और साबित करता है कि वो सोलर सिस्टम में सुप्रीम क्यों है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और हाँ, इसे शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।